नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। आइए जानते हैं कि कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के चलते बनारस को लॉकडाउन कर दिया गया है, इस मुहिम को आप लोग किस प्रकार सफल बनाएंगे? सर्वप्रथम तो देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया योगी जी को की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और लॉकडाउन जनता और व्यापारियों के हित में है, लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए। और सरकार द्वारा हम लोग को पंपलेट मिले हैं, वो पंपलेटों को हम लोगों के घरों में लगा रहे हैं। और उसके अलावा हम लोग सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप और फेसबुक से सबसे संपर्क किए हुए हैं। मेरे साथ जुड़े शहर के 50 व्यापार मंडल और 11 शाखाएं में कई हजार की संख्या में लोग व्हाट्सएप और फेसबुक से सभी परिवारों को, सभी लोगों को चेतन कर रहे हैं। और आस पड़ोस में भी हम लोगों को बता रहे हैं। और साथ ही जिन परिवारों को मदद की जरूरत है तो हम लोगों ने आह्वान किया लोगों से कि आप लोग उनको खाद्यान्न वगैरह या जो चीज की जरूरत हो, जो जिस लायक हो, देने का कष्ट करें। अध्यक्ष जी, प्रतिष्ठानों के बंद रहने से व्यापारियों के सामने किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और इसके लिए आप जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? देश के ऊपर आए संकट में हम लोग सरकार के साथ हैं, पर सरकार हमारी राजा है, हम उनकी प्रजा हैं। और आज कुटीर उद्यमी और कुटीर व्यापारी भुखमरी के शिकार हो गए हैं, उनके पास खाने पीने की भी दिक्कत हो गई है। और सबसे बड़ी समस्या है कि उनको दुकान का किराया देना है, लेबरों को मजूरी देनी है, बैंकों का ब्याज देना है जो कर्ज लिए हैं, बिजली का मिनिमम चार्ज देना है, अप्रैल माह में बच्चों की फीस जमा करनी है, किताब कापी लेके देनी है, कार लोन, होम लोन, सारी समस्याएं उनके ऊपर विकट आ चुकी हैं। हमारी सरकार से और जिला प्रशासन से मांग है कि कम से कम 3 महीने तक की EMI को आगे बढ़ा दिया जाए और 1 रुपए से 10 लाख रुपए तक के लोन का ब्याज माफ कर दिया जाए 3 महीने का, बिजली का मिनिमम चार्ज 3 महीने का खत्म कर दिया जाए और आगे आने वाले बच्चों की फीस और स्कूल ड्रेस और किताबों की व्यवस्था सरकार करके दे। और साथ ही जो भी सुलभ हो सके कुटीर उद्यमियों, कुटीर व्यापारियों को भी दिहाड़ी मजदूर और ठेले खोमचे वालों की तरह उनको भी राशन, गेहूं, चावल वगैरह सब दिया जाए ताकि उनके परिवार सड़क पे आके मरे ना। और देश के सैकड़ों बड़े उद्योगपति जिनके पास अथाह धन है, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अडानी हो, अंबानी हो, रिलायंस हो, जिंदल हो, इन लोगों को भी अपना भंडार खोल देना चाहिए गरीबों के लिए और कुटीर व्यापारियों के लिए। और साथ में हर शहर में 10, 5, 25, 50 जो भी बड़े व्यापारी, बड़े उद्यमी हैं, उनको सड़क पर उतर के सारी क्लब, संस्थाओं, व्यापार मंडलों जो जिस लायक है लोगों की मदद करे और इस दुखद घड़ी में सरकार का पूरा साथ दे। और हम लोगों ने इसके साथ ही मेरठ से आया हुआ आयुर्वेदिक इस तरीके का एक ही आया हुआ है जिसमें गोरी रख के ये बच्चों ने बना के दिया, इसकी कास्ट 100 रुपया है, इसमें आयुर्वेदिक सामान डाल दिया जाता है और ये हल्का हल्का धुआं निकलता है, इससे भी हमारे कमरों में, पूरे मकान में अगर कोई वायरस है तो वो भगाने का काम ये आयुर्वेदिक तरीका भी कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष राकेश जैन। आइए जानते हैं इनसे, कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के चलते बनारस को लॉकडाउन कर दिया गया है, कोरोना से लड़ने की इस मुहिम को आप लोग किस प्रकार सफल बनाएंगे? देखिए, कोरोना जो विदेशों से आया है हमारे देश में भी, अच्छी बात है लॉकडाउन किया गया है और इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि लोग घर पर रहें। हमने पहले भी अपील की थी, आज फिर अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से, क्राउन टाइम्स के माध्यम से,
कि जितना लोग अपने घर पर रहेंगे उतना कोरोना जल्दी भागेगा। और आम आदमी से अपील भी करेंगे कि कहीं बाजार में भीड़ ना लगावें, क्योंकि भीड़ लगाने से एक दूसरे पर आने की आशंका होती है। इसे दूर करने के लिए कम से कम दूरी बनाए रखें और इसको जल्द से जल्द भारत से भगाने के प्रयास करें। साथ ही मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जो वसूलियां कर रहे हैं, जैसे बिजली विभाग द्वारा, अन्य विभागों द्वारा, इसको स्थगित कर दें। और GST भरने की जो सीमा तय थी उसमें भी व्यापारियों को समय दें, क्योंकि जब स्टाफ नहीं आएगा, दुकानें नहीं खुलेंगी, काम नहीं होगा, तो इस पर भी विचार भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार करें। मेरा ये निवेदन है और हम लोग सब लोग, भारत सरकार, प्रदेश सरकार, देश के सभी नागरिक, राजनीतिक दल सब एक हैं और इसको भगाने में हम लोग सफल हो जाएंगे। अध्यक्ष जी, प्रतिष्ठानों के बंद रहने से व्यापारियों के सामने किस प्रकार की समस्याएं आएंगी और इसके लिए आप जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? देखिए, कुछ समस्याएं तो हमने आपको पहले बता दी है, जैसे GST वाली बताई है, और बहुत सारी समस्याएं सब्जी की भी आएंगी। पुलिस वालों को भी विशेषकर आग्रह करूंगा कि जो खाने पीने की सामान है उनको पूरी छूट दें, और जनता से भी अपील करूंगा कि सामान लें जितनी जरूरत हो, स्टॉक न करें। और कोई भी दुकानदार हो चाहे आम नागरिक हो, ब्लैक न करे, इस पर भी हमको शासन प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। क्राउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें।